भवानीगढ़ सब डिवीजन के कालाझाट गांव में आज भारतीय किसान यूनियन उग्राहन ने पंजाब में फैल रहे दिनों दिन नशे के खिलाफ नशे के सौदागरों का पुतला बनाकर पूरे गांव में घुमाया गया और किसान यूनियन ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और नशे के लिए समय समय की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया। किसान नेता जगतार सिंह की अगुवाई में गाँव में नशे के खिलाफ रैली निकाली गई और फिर बाद में नशे के सौदागरों के पुतले का शमशान घाट में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। चन्नो से इकबाल बाली, आजाद टीवी न्यूज। पंजाब सरकार दी अर्थी सड़ रहे हैं क्योंकि नशे के कारण इत्थे हर रोज 16 तलाक ने जिहड़े ओह हो रहे ने, जिथे इत्थों दी सरकार गुड़का साहब ते हाथ रख के कह के गई आ भी असीं समूचा नशा जिहड़ा एक हफ्ते च खत्म कर देंगे, पर डेढ़ साल बीतण दे बावजूद भी अज साढ़े नौजवान धी पुत ने जिहड़े ओह नशे दे खा के लगातार मर रहे ने। इस दे विरोध दे विच साडी मंग इह आ कि जिहड़े नशे दे सौदागर ने पुलिस अफसर ने उहनां नूं सख्त सजावां दित्तियां जाण अते जेलां च बंद नशा पीड़ित नौजवान ने जिहड़े उहनां नाल मरीजां वाला सलूक करके जिहड़ी सेहतमंद डाक्टरी सहायता जिहड़ी ओह उहनां नूं मुहैया करवाई जावे। आ जिहड़ा सरकार ने नशियां दा प्रकोप चालू कर रख्या है, पंजाब दे विच इक नशा दी नेरी आ रही है, इस दे संबंध विच असीं पंजाब सरकार दीआं अर्थियां फूक रहे हां क्योंकि चोणां तों पहलां सरकार ने वादे कीते सी वी असीं जिहड़ा नशा है इस नूं 4 हफ्तिआं दे विच बंद कर दांगे, पर उह नशा घटण दी बजाए अज पंजाब दे विच वध रिहा है। रोजाना मौतां हो रहीआं ने, आ 15-20 दिनां दे विच 34-35 नौजवान जिहड़ी मौत दे गले ला लिया।